बरेली के थाना विशारदगंज के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर दुष्कर्म की शिकायत की। विशारदगंज थाने में कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची। पीड़िता ने एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ग्रामीण ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल पीड़िता का कहना है, रक्षाबंधन की रात में उसके पति के तीन दोस्त घर पर आए और पति के साथ जमकर शराब पी। पति जब नशे में बेहोश होने लगा तब उसका एक दोस्त उनको अपने साथ ले गया। बाकी लोगों ने मौका पाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। बलात्कार करने के बाद दरिंदे दोस्तों ने महिला के अश्लील फोटो खींच लिए और महिला को डराने धमकाने लगे। महिला थाने पहुंची, वहां उसको कोई न्याय नहीं मिला। तब परेशान होकर महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसको न्याय दिलाने का आश्वासन मिला। शरदगंज के ग्राम सिसोना में एक महिला ने अपने पति के तीन दोस्तों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में थाना विशारदगंज में उनकी तहरीर पर 376 डी तथा 452 आईपीसी में दो नामजद तथा एक अज्ञात दोस्त पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन्वेस्टिगेशन से बात प्रकाश में आई है कि घटना वाले दिन पति के साथ तीनों दोस्त खाना खाए थे और वहाँ पर दारू पिए थे। उसके बाद पति अपने एक दोस्त के साथ जो नामजद है उसके साथ दिल्ली चला गया था और दूसरा दोस्त उसे घर पर ही रोक गया था। तीसरा दोस्त जो है वह मौके पर नहीं था। जो तीसरा दोस्त संतोष है उसके द्वारा यह दुराचार किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो अन्य व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। मौके से जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि घटना वाले दिन दोनों व्यक्ति रात्रि में दोस्त के साथ मौजूद थे, पति के साथ अपने, उसके बावजूद उसे चले गए थे। महिला की शिकायत पर विशारदगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक अन्य के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।